हिंदुस्तान में मुस्लिम लड़कियां बुर्का स्कूल में कभी पहनती ही नहीं थी। गरीब तबके की ऑर्थोडॉक्स लड़कियां अगर पहनती थीं, तो वो भी स्कूल के बाहर उन्हें उतार देती थी। ये सब चालू हुआ 80s में, जब पाक स्पॉन्सर्ड इस्लामिक टेररिज्म कश्मीर के अंदर घुसा। दुख्तरा ने मिलत नाम की एक रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने जब लड़कियों को बुर्का पहनाना शुरू किया, जब इंडियन आर्मी ने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की, तो इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप्स ने ऐलान किया कि वो भारत में 500 मिनी कश्मीर बना देंगे। ये मास्क पहनने से मना करते, तो जिन लोगों को मास्क पहनने से ऐतराज है, उनको पूरा बदन और अपनी शक्ल ढकने से कोई ऐतराज नहीं है। क्या आपको इसमें हिपोक्रेसी, गंदी पॉलिटिक्स नहीं नजर आती? टुकड़े टुकड़े CAA, लिंचिंग और ये बुर्का पॉलिटिक्स, ये तो सिर्फ एक बहाना है। असली मकसद कश्मीर की तरह भारत को इस्लामिक रिपब्लिक बनाना। ये आपके हाथ में है कि आप क्या करते हैं, but as far as I am concerned, I am not going to be silenced.